नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। नागरिकता संशोधन कानून पारित होने के बाद से लेकर अब तक पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन जारी है। इस कानून का विरोध करने वालों को पुलिस प्रताड़ना से लेकर देशद्रोही और गद्दार जैसे इल्जाम भी सहने पड़ रहे हैं। CAA NRC NPR को लेकर सबसे अहम विरोध दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहा है। पूरे 2 महीने बीत गए हैं, लेकिन उसी के साथ पूरे भारत देश में हर रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मुंबई के आज़ाद मैदान में लाखों लोग शामिल हुए। एक तरफ महिलाएं और दूसरी तरफ बूढ़े, बच्चे, जवान सभी लोग शामिल थे। एक तरह से ये कह सकते हैं लाखों लोग न सिर्फ मुंबई बल्कि महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग आए हुए थे इस प्रोटेस्ट में। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये महिलाओं का हुजूम और दूसरी तरफ बच्चे, बूढ़े, जवान, पुरुष की हुजूम लगा रहा है। और प्रोग्राम में एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, साथ ही साथ इस मंच पर सभी धर्म के लोग, मौलाना जो कि भारी तादाद में पहुंचे थे। कई घंटे मंच पर बैठे लोगों ने जनता को संबोधित किया। हम आपको सुनाते हैं एक्टर सुशांत सिंह ने क्या कहा है, सुनिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, देखिए ये कहना गलत है कि सरकार कुछ भी नहीं सुन रही है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब अभी गृह मंत्री जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि कोई भी उनसे अपॉइंटमेंट ले सकता है और CA के बारे में बात कर सकता है। और अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि शाहीन बाग की दादियां जो है कल वहां जाने की तैयारी भी कर रही हैं, तो ये बड़ी अच्छी पहल है। बातचीत से ही मसला सुलझेगा एंड मैं बधाई देता हूँ, बधाई के पात्र हैं गृह मंत्री जी इस कदम के लिए। सुशांत भाई, राज्य सरकार अब तक तहरीरी तौर पे मतलब लिखित रूप से कोई ऐसा कि रियासत को उसको लागू नहीं करेंगे ऐसा उन्होंने लिखित रूप से अब तक नहीं दिया, मौखिक उन्होंने कहा है, तो क्या सरकार की मंशा इसे क्या समझी जाए? आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन सरकार को अब तक जो है लिखित में कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं होगी ना। जी, मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा, महाराष्ट्र सरकार से विनती है मेरी और मेरे ख्याल सभी प्रोटेस्टर्स भी यही चाहते हैं कि अगर लिखित में वो दे दें कि NPR को आप स्वीकृति नहीं देंगे प्रदेश में, तो काफ़ी जो है लोगों की शंकाएं, जो डर है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं NPR पहला कदम है NRC की तरफ। तो उम्मीद करता हूं कि जो नई सरकार है महाराष्ट्र में वो ज़रूर इस बात को सुनेगी। सर, जामिया स्टूडेंट को बार-बार जो टारगेट किया जा रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? जी, मैं तो उनकी हिम्मत की दाद देता हूं और सारे स्टूडेंट्स और सारी महिलाओं को, उनको बार बार टारगेट किया जा रहा है, चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे JMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और फिर भी वो लोग डटे हुए हैं इतनी हिम्मत के साथ, उन्हीं की वजह से आज हम लोग खड़े हैं। सो मालूम है, एक सरकार जब पीछे हटने को तैयार नहीं होती या बर्बर हो जाती है तो बहुत सहना पड़ता है और दुख भी होता है कि हमारे बच्चों को इतना सहना पड़ रहा है, महिलाओं को, बट उनकी हिम्मत से हमारी हिम्मत। जी, मैंने वो खबर पढ़ी नहीं है, कल मैंने तमिलनाडु का पढ़ा था कि वहाँ पर चेन्नई में कुछ रात को लाठीचार्ज हुआ है। जहाँ भी हो रहा है, मेरी सभी सरकारों से ये विनती है, देखिए कहीं कोई वायलेंस नहीं हो रही है, प्रोटेस्टर्स कोई वायलेंस नहीं कर रहे हैं, तो उन पर इस तरह फोर्स का इस्तेमाल करना ये गलत है। सर, एक सवाल आपसे है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस बात को साफ जाहिर किया है कि CA को लेकर के उनकी भूमिका क्या है। वो कह रहे हैं कि NRC के खिलाफ है, लेकिन CA जो है वो महाराष्ट्र में लागू होगा, उसको लेकर के आपके क्या? जी, मैं इस पर नहीं कमेंट कर सकता, मैंने उनका पूरा जो है भाषण नहीं पढ़ा है या पूरा उनका जो कमेंट है वो मैंने नहीं पढ़ा है, तो लेकिन मैं सिर्फ व्यक्तिगत राय जाहिर कर सकता हूँ। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री ये सब बहुत बड़े हैं भाई मुझसे, मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता हूँ, प्रोटेस्टर्स की तरफ से बोल सकता हूँ कि हम सब CA के खिलाफ हैं, क्योंकि वो हमें लगता है संविधान के खिलाफ है। एक धर्म को बाहर रखना नागरिकता देने के लिए हमें गलत लगता है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है, उसका इंतजार करेंगे, और उसके साथ NRC और NPR के खिलाफ है, क्योंकि वो एक नाजायज़ एक्सरसाइज है जिसमें खुद 2003 में जब वाजपेयी साहब की सरकार थी उन्होंने एक सर्वे शुरू किया था, 2009 तक वो सर्वे हुआ था, कुछ 12-13 राज्यों में सर्वे किया गया था, 40 लाख लोगों का सर्वे किया गया था नेशनल आइडेंटिटी कार्ड देने के लिए, और उसमें पाया गया था कि सिर्फ 50% लोग अपनी नागरिकता साबित कर पाए, सिर्फ 50% लोग, और ये सरकार को बात मालूम है, तो उसके बाद NRC की जबरदस्ती क्यों? ठीक मेरे साथ नहीं है जी, मैं लोगों के साथ प्रोटेस्ट में हूँ, मैं कोई इनका लीडर नहीं हूँ, हमारे देश की महिलाएं और बच्चे जो हैं, नौजवान, वो लीडर हैं, मैं उनके साथ हूँ। 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा, 3 दिन का मौका देता हूँ, जिसको भी मुझसे इस मामले में बात करना है वो मेरे ऑफिस पे टाइम लेके आए, हम उनसे बात करेंगे। यानी ये कहा जा सकता है जिस तरह से शाहीन बाग की महिलाएं
डटी हुई हैं उसी का नतीजा है अमित शाह को बात करना अब मजबूरी बन चुकी है। और एक तरफ हम आपको दूसरी खबर बता रहे हैं, महाराष्ट्र में एनपीआर को लेकर जिस तरह से गहमा गहमी है, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण NRC और राष्ट्रीय जनसंख्या सूची NRP के देशव्यापी विरोध के बाद भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 मई से 15 जून तक NPR के तहत सूचनाएं कलेक्ट करने की अधिसूचना जारी की है। यानी NPR की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन अब जिस तरह से गृह मंत्रालय ने सूचना जारी की है, ठीक उसके बाद महाआघाड़ी सरकार में तनातनी शुरू हो गई है। शिवसेना कांग्रेस NCP की सरकार में महाराष्ट्र में अब तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। उद्धव ठाकरे पर, महाराष्ट्र सरकार पर सवाल तरह तरह के उठ रहे हैं। और राज्य के कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि NPR के प्रावधानों पर कांग्रेस का विरोध है और इस संबंध में कांग्रेस के मंत्री सरकार से बात करेंगे। वही शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा है कि NPR अगर जनगणना जैसा ही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जनगणना तो हर 10 साल में ही होती है। ऐसे में अब सहयोगी दलों के बीच खींचातानी साफ साफ दिख रही है और महाराष्ट्र की जनता भी NPR को लेकर मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि प्रोटेस्टरों का कहना है NRC का पहला कदम है NPR। NPR के खिलाफ अभी NCP ने पत्ते ही नहीं खोले हैं। NPR के संबंध में महाराष्ट्र सरकार भी जल्द ही अधिसूचना जारी करेगी, इसकी पुष्टि मुंबई स्थित केंद्रीय जनगणना कार्यालय ने की है। हम आपको बता दें, मुंबई में प्रधान जनगणना अधिकारी के कार्यालय में 6 फरवरी को हुई थी बैठक। बैठक में मनपा आयुक्तों के अलावा राज्य के सभी जिलों के अधिकारी शामिल थे और जनगणना कार्यवाही में संचालक रश्मि झगड़े इस बैठक में मौजूद थी। हम आपको बता दें, 1 मई से विभाग के निदेशक YS पाटिल के अनुसार कर्मचारी और अधिकारी घर घर जाकर NPR के लिए जानकारी एकत्र करेंगे। इसके लिए 3.5 लाख के करीब जो है कर्मचारी जो नियुक्त किए जाएंगे और उसके बाद जो है NPR का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगा। लोगों तक जो पूछताछ की जाएगी, घर घर जाकर ये अधिकारी पूछताछ करेंगे। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।